नमस्कार, मैं हूं विनोद कुशवाहा। आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से आष्टा आकर कार द्वारा ग्राम खामखेड़ा जन्ना पहुंचे, जहां आष्टा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रंजीत सिंह गुड़वान के दुखद निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम खामखेड़ा जन्ना पहुंचकर स्वर्गीय पूर्व विधायक श्री रंजीत सिंह गुड़वान के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिजनों के साथ दुख की इस घड़ी में कुछ समय बिताते तथा परिजनों से मिलकर उन्हें हिम्मत दिलाई। वहीं इस अवसर पर आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, इछावर विधायक करण सिंह वर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, एसपी मयंक अवस्थी सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय श्री गुड़मान एक सेवाभावी और सरल व्यक्ति थे। उनका हमेशा क्षेत्र के विकास एवं जनता के कल्याण में अभूतपूर्व योगदान रहा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। समाज सेवी और सबका भला करने वाले एक बेहतर इंसान थे, लोकप्रिय नेता थे और इसलिए जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला और वो लगातार चुनाव में निर्वाचित होते रहे। आष्टा के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में उनका अभूतपूर्व योगदान है। मुझे भरोसा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, अस्वस्थ जरूर हुए थे। आज मैं उनको देखने आने वाला था, परसों ही हमने कार्यक्रम बनाया था। करण सिंह जी वर्मा और बाकी साथी जब भोपाल में आए थे तो हमने तय किया था कि आज मैं उनको देखने आऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। एक बहुत सेवाभावी और सरल व्यक्तित्व के धनी रणजीत सिंह गुड़वान जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिजनों को और समर्थकों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। सीहोर आष्टा से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।